ये भी लिखा था चैप्टर भी नहीं, हम करा रहे, आपको आते हो तो बहुत बढ़िया और नहीं आते हो तो हम आज डिस्कस कर रहे थे एस ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपको पहुंचा सकते हैं और पहुंचा सकते हैं किसी भी नौकरी पर, किसी भी एग्जाम में सफलता की तरफ। तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम एस ब्लॉक। पहला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोनेट हीट करने पर ऑक्साइड नहीं देगा। तो अब अगर हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो अपने बुकलेट में क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोनेट हीट करने पर ऑक्साइड नहीं देगा। तो अब आपके दिमाग में क्या थीम आनी चाहिए सुनते ही, इसको सुनते ही क्या थीम आनी चाहिए? लिथियम नहीं देगा। नहीं, फर्स्ट ग्रुप के सारे कार्बोनेट टूटते नहीं है लिथियम को छोड़कर। ये लाइन जिसको याद होगी वही ये क्वेश्चन कर पाएगा। तो अब हम चॉइस देख रहे हैं, फिर से देख लो, फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है ना, लिथियम को छोड़कर। मतलब ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका अगर कार्बोनेट चॉइस में दिया हुआ है तो वो नहीं टूटेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में चॉइस क्या क्या है। पहला चॉइस है जिंक कार्बोनेट, देखो क्या टूट जाएगा। हा, सेकेंड चॉइस है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ये टूट जाएगा? हा। थर्ड चॉइस है लिथियम कार्बोनेट, क्या टूट जाएगा? हाँ। फोर्थ चॉइस है Na2CO3, टूट जाएगा? नहीं। मतलब इस क्वेश्चन को याद करने के लिए हमें लाइन याद होनी चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते हैं लिथियम को छोड़कर, या ये चार नहीं डिकम्पोज होते हैं बाकी सारे हो जाते हैं। पूरी बुक में जितने भी कार्बोनेट हैं वो सारे के सारे डिकम्पोज हो जाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन ये है, अभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, साथ के साथ आपको कंसेप्ट भी पढ़ा रहा हूं। कौन सा मेटल नाइट्रेट हीट करने पर डायरेक्ट मेटल देगा। अब इसको बच्चे एग्जाम में देखते हैं, भैया एग्जाम में थोड़ी देखा जाता है, ये बात आपको घर से याद होनी चाहिए। तो एक ही नाइट्रेट है जो हीट करने पर मेटल देता है, कोई बता सकता है कौन? अगर आपको ये बात याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को करने लायक नहीं है। कौन सा नाइट्रेट है? तो सिर्फ एक ही नाइट्रेट है AgNO3, जो डिकम्पोज करने पर AgNO2 और O2 देता है, और ये ब्राउन कलर की गैस होती। तो अगर आपको ये लाइन याद नहीं है तो आप इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी इस क्वेश्चन को 100% अटेम्प्ट नहीं कर सकते। वो बात दूसरी है कि आपने हनुमान जी की जय करी और गलती से चिड़िया इसके ऊपर से उड़ गई, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा मेटल नाइट्रेट गर्म करने पर NO2 गैस नहीं देता है, कोई बता सकता है? सोडियम। तो सिर्फ ये ही चार जो अभी अभी लिखे थे, यही चार नाइट्रेट हैं जो गर्म करने पर ब्राउन कलर के गैस नहीं देता है, और आपको एग्जाम में इसी भाषा में क्वेश्चन मिलने वाला है। तो हम देख लेते हैं ये कैसे टूटते हैं। जब हम इनको गर्म करते हैं तो ये नाइट्राइट बनाते हैं और O2 रिलीज कर देते। इन चारों के अलावा
पूरी किताब के नाइट्रेट गर्म करने पर मेटल का ऑक्साइड NO2 और O2 देते हैं, ठीक है। तो देखना, अगर मैंने लिथियम नाइट्रेट को गर्म किया तो क्या बनेगा, लिथियम ऑक्साइड NO2 और O2। यह पूरी किताब में जो भी नाइट्रेट होगा वो यही टूटेगा। अब आपके केवल एस ब्लॉक का आ रहा है पेपर में, एस ब्लॉक का आ रहा है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो आपको क्या करेगा, अब क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एल आई एन ओ थ्री, एन ए एन ओ थ्री, के एन ओ थ्री और आर बी एन ओ थ्री, इनमें से कौन सा नाइट्रेट गर्म करने पर नाइट्राइट नहीं बनाएगा। नाइट्राइट नहीं बनाएगा, लिथियम। ये चारों हमेशा एक जैसे टूटते हैं, ये चारों हमेशा एक जैसे टूटते हैं, सिमिलर वे में टूटते हैं। तो जब हम इसको गर्म करेंगे, आपके सामने आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि लिथियम नाइट्रेट गर्म करने पर ऑक्साइड बनाता है। फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ ये चार अलग तरीके से ब्रेक होते हैं, बाकी लिथियम पूरी बुक के साथ ब्रेक होता है। तो क्वेश्चन था, कौन सा नाइट्रेट गर्म करने पर नाइट्राइट नहीं बनाएगा, लिथियम। अब यही क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, कौन सा नाइट्रेट गर्म करने पर ऑक्साइड देगा। तो हमको घर से याद होना चाहिए, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सिल्वर को छोड़कर बाकी सारे नाइट्रेट ऑक्साइड देते। तो क्या कॉपर नाइट्रेट देगा क्या? हाँ। जिंक नाइट्रेट, हाँ। लेड नाइट्रेट देगा क्या? हाँ। लेड नाइट्रेट भी देगा। तो ये मेटल के नाइट्रेट की हीटिंग की कहानी थी, जिस पे डेफिनेट क्वेश्चन आने वाला है, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नाइट्र एस ब्लॉक आपके एग्जाम में हो और नाइट्रेट पे क्वेश्चन नहीं आए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कौन कलर दिखाएगा, कौन कलर दिखाएगा। चॉइस है हमारे पास, ठीक है ना, K2O, Na2O2, KO2, ठीक है ना, और Li2O। Li2O। अब हमें कलर के लिए पता होना चाहिए, कलर्ड वो दिखाता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में से सिर्फ किस में होता है, सिर्फ सुपर ऑक्साइड में होता है। इनमें से कौन है सुपर ऑक्साइड? K2O। ये है सुपर ऑक्साइड, ये जो सुपर ऑक्साइड है ये कलर्ड भी होगा और पैरामैग्नेटिक नेचर का भी होगा। तो कहीं पे कॉपी पे नोट कर लो, सुपर ऑक्साइड कलर्ड भी होते हैं, रंग भी दिखाते हैं और चुंबक की तरफ आकर्षित भी होते हैं, अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट। बड़े भैया आगे। बड़े आगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है,
अगला क्वेश्चन ये है, किस एलिमेंट के सॉल्ट को, किस एलिमेंट के सॉल्ट को दीपावली पर फायर क्रैकर में डालने पर, उसको चलाने पर हरा रंग प्राप्त होगा, ग्रीनिश रोशनी निकलेगी? किस मेटल के सॉल्ट को पटाखे में उपयोग करने पर दीपावली में हरे रंग का प्रकाश मुक्त होगा, ग्रीन कलर की लाइट निकलेगी? चॉइस हमारे पास यह है, पोटेशियम सीजियम, ठीक है ना, बेरियम कैल्शियम। बेरियम, तो दीक्षा ने आंसर एकदम सही बताया है, बेरियम। अगर कैल्शियम का सॉल्ट होता तो कैसा रंग आता, रेड, ठीक है ना, तो इसका इसका ब्रिक रेड आता है, ईट जैसा लाल, और पोटेशियम का बैंगनी और अंग्रेजी में वॉयलेट कलर आता है, और सीजियम का क्रिमिजम रेड कलर आता है, क्रिमिजम रेड कलर आता है। बढ़े आगे, बढ़ जाए अगला क्वेश्चन। आयोडीन पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, आयोडीन पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन KI मिलाने पर डिसॉल्व हो जाता है, क्यों? KI मिलाने पर डिसॉल्व हो जाता है, ऐसा क्या होता है कि जिसके वजह से ये सॉल्युबल हो जाता है? तो जब हम आयोडीन में KI मिला देते हैं तो KI मिलाने पर ये Ki3 बन जाता है, और इसमें पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछी जाती है, तो कोई बताएगा पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? अरे कोई तो बोलो, तो जब मैं रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाता हूं तो आपको बताता हूं कि किसी की भी ऑक्सीडेशन ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं आ सकती। कई लोगों को मेरे से प्रॉब्लम ये रहती है कि मैं उनको याद करने के लिए बहुत ज्यादा जोर देता हूं, वो इसलिए देता हूं कि अगर आपने इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश की तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन की -1/3 है, या आपको ये याद होना चाहिए कि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी एक से ज्यादा नहीं आ सकती। जब भी एक से ज्यादा आ जाए, आप निकालो और एक से ज्यादा आ जाए, तो फौरन सीधे हाथ से उल्टे गाल पर एक थप्पड़ मार लेना चाहिए कि भैया एक से ज्यादा नहीं आ सकती। तो आपको अगर ये दो स्टेटमेंट याद नहीं है तो पक्का आप इस क्वेश्चन में डूबने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसको -1 रखोगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगी, आप टिक कर दोगे, पेपर में -1 मिलेगा और आप अगले साल के लिए फिर से तैयार हो जाओ। तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, या तो याद रखो कि फर्स्ट ग्रुप की +1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, सेकंड ग्रुप की 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, या आपको यह याद रखना पड़ेगा कि इसकी क्या होगी। अब यही क्वेश्चन रिडॉक्स में आता है, डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ाया जाता है? अगर वो आपसे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है तो क्वेश्चन बेहद आसान है, क्योंकि अब हमको कुछ भी याद नहीं रखना। कैसे? पोटेशियम की एक्स है, इसकी 3x है, इक्वल टू 0 है, तो x बराबर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन उसने आपसे इधर से पूछा ऐसे करके, अब इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है, अब ये आसान क्वेश्चन नहीं रहा है, अब ये टफ हो गया।
क्योंकि अब आपको घर वाला ज्ञान जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको घर वाला ज्ञान याद नहीं है तो आप घर पे बैठने के लायक हैं और बैठेंगे भी, क्योंकि आपका कहीं नहीं होगा। तो अभी आपको मौका है कि अभी बहुत समय है, अभी भी आज याद कर सकते हो। तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि ऑक्सोन का फॉर्मूला क्या है। ऑक्सोन का फॉर्मूला क्या है? चॉइस कोई बच्चे कहेंगे, चॉइस लिख दो सर। तो चॉइस भी लिख दी भैया, लो BaO2 CaO2 ठीक है ना, और वो कौन गया Na2O2 और K2O2। तो देखो और बताओ इसमें से ऑक्सोन का फॉर्मूला कौन सा है, और ऊपर लिख लो याद होना चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, इसको ऑक्सोन कहते हैं। ऑक्सोन Na2O2 को ऑक्सोन के नाम से जानते हैं। अब अगर आपको ये नहीं आता तो आप खुद ही बताओ आप कैसे कर सकते हो एग्जाम। तो Na2O2 को कहते हैं ऑक्सोन। हमारा अगला क्वेश्चन है, और मैं ये सारी ही बातें अपनी क्लास में, ठीक है ना, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासों में बच्चों को बार बार इसलिए बताता हूं कि भैया याद कर ले। हम आगे क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, बच्चे क्या है चॉइस पे डिपेंडेंट रहते हैं और मैं बिना चॉइस के पढ़ाता हूं। मुझे चॉइस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है चॉइस से दिमाग खराब हो जाता है। चॉइस वाली पढ़ाई और बिना चॉइस वाली पढ़ाई में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? दो तरह की स्टडी होती है। एक स्टडी का नाम है पीपी स्टडी, ठीक है ना। तो बच्चा बोलता है ये पीपी स्टडी क्या है? पीपी स्टडी का मतलब होता है पति और पत्नी स्टडी। और पति पत्नी स्टडी क्या होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। जैसे किसी पति से कोई पूछे तेरी पत्नी का नाम क्या है, तो बताओ क्या उसे कंफ्यूजन होगा? और होगा भी तो एकाद होगा, किसी को अगर इस बात में कंफ्यूजन है तो एकाद होगा। ऐसे ही पत्नी से अगर कोई पूछे तेरे पति का नाम क्या है, तो बताओ होगा क्या कंफ्यूजन? मान लिया कि भैया हर जगह एक्सेप्शन होते हैं तो एक होगा, तो 100 में से एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब दूसरी थ्योरी का नाम है जीवी थ्योरी। जीवी थ्योरी को हम कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थ्योरी। इसमें भारी कंफ्यूजन। अगर किसी छोरे से, गांव वाले छोरे से पूछ लिया तेरी गर्लफ्रेंड कौन सी है, तो अब उसको तो लगता है जितनी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ती है सभी मेरी गर्लफ्रेंड है। तो अब वो आंख उठाकर देखेगा कौन सी वाली है। वो ऐसे ही क्वेश्चन करता है, ये चारों में से कौन मेरी गर्लफ्रेंड, और फिर देखता अच्छा ये परसों मुस्कुराई थी तो ये लो टिक। रिजल्ट आता है कि आते ही तो पता लगता है अरे ये तो दूसरे के गर्लफ्रेंड पे ट्रिक कर। तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली थ्योरी डिस्कार्डेड। एक ही थ्योरी है सक्सेस के लिए, पीपी थ्योरी, जिसमें हमें याद होना चाहिए। आप चॉइस देखकर देखते हो, ये कोई पढ़ाई थोड़ी है, ये तो तुक्का मारना है। ये चारों में से कोई लग गया तो ठीक है, नहीं तो अगले साल फिर देंगे कौन सा कुंभ का मेला। अब RPC के एग्जाम तो एक तरह से कुंभ की तरह ही होते हैं, 4 साल बाद तो आते हैं, फिर पता नहीं होगा या नहीं होगा। नीट और JEE हो तो चलो भैया अगले साल पक्का है, होगा ही होगा। तो बताओ लिथियम एयर के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? लिथियम ऑक्साइड Li2O।
तो लिथियम को एयर में जलाने पर देखना, और वो आपको ऐसे चॉइस दे देगा कि इनमें से क्या बनेगा। जब लिथियम को एयर में जलाते हैं तो सिर्फ ऑक्साइड बनता है, ये बात याद करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब हम सोडियम को एयर में जलाएं तो Na2O2 क्या, बनता है। ऑक्साइड परॉक्साइड। तो पहले परॉक्साइड बनता है और जो टूटकर ऑक्साइड में बदल जाता है। तो पहली चॉइस परॉक्साइड को स्टिक करेंगे, अगर परॉक्साइड के साथ साथ ऑक्साइड भी है। पर ऐसे क्वेश्चन ये लैब सेकंड ग्रेड में नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन जेई और नीट में आते हैं। सेम क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल हाई, कैसे, दोनों ही आंसर है। तो देखो ये क्वेश्चन जेई के एग्जाम में आया, क्या बनेगा, सुपर ऑक्साइड के सुपर ऑक्साइड। तो पहले ये सुपर ऑक्साइड बनाएगा, फिर परॉक्साइड में टूट जाएगा और फाइनली ऑक्साइड। बताते, तो अब जेई में आया तो तीनों ही चॉइस थी, क्योंकि वहां मल्टीपल चॉइस भी आती, पर नीट में मल्टीपल नहीं आता। तो नीट में आएगा कौन बनेगा, तीनों ही बनते हैं। अब बच्चा क्या करेगा, कौन सा पहले बनेगा, ये पहले बने। तो अब फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता, लिथियम और सोडियम, दो जने सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। और कौन परऑक्साइड नहीं बनाता, लिथियम। लिथियम परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड दोनों नहीं बनाता है, और सोडियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। ये बात हमको याद करनी पड़ती है, उसके बाद क्वेश्चन होते हैं। तो ये हमने ऑक्साइड की कहानी को डिस्कस कर लिया है। अब आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यही आएगा। ये क्वेश्चन मैंने कई एग्जाम में देखा है कि ये अगर टूटेगा तो क्या बनेगा, ये अगर टूट गया तो क्या बन जाएगा, ये अगर टूट गया तो सीजियम प्लस और I3- बन जाएगा। अब एक साल तो वो ये पूछेगा और अगले साल पूछ लेगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या, मतलब यहां से सीधा उसने जंप मारी केमिकल बॉन्डिंग में। अब आपके दिमाग की रीच ही नहीं है इतनी, तो आपके दिमाग, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है, और इसकी स्ट्रक्चर ऐसी मानी जाती है, एक आयोडीन से दो आयोडीन जुड़े हैं। तो मैं जिस फॉर्मूले से निकालता हूं उससे देख लो, दो आयोडीन जुड़े हैं, आयोडीन के इलेक्ट्रॉन साथ, दो आयोडीन पे दो चार्ज, माइनस को प्लस वन किया, दो से डिवाइड कर दिया, 2 + 3 = 5, और 5 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और स्ट्रक्चर लीनियर होती है। आप क्या सोचते हो, आपकी गलत फहमी ये है कि ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन होता है, नहीं, सिलेक्शन के लिए आपको चैप्टर्स के इंटर कन्वर्जन आने चाहिए। कि जैसे हमने यहां से फट से स्विच ऑफ किया केमिकल बॉन्डिंग में, अब 5-10 मिनट तक तो आपकी बत्ती ही नहीं जलती कि ये पूछ क्या रहा है। और आप तो वैसे भी पेपर देते समय भांग खा के जाते हो, आधे तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते कि पूछ क्या रहा है, क्यों, उसे पता है मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन में ये कहानी आपसे पूछी जा सकती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन अगला, ये है किसको केरोसिन ऑयल में, किसको केरोसिन ऑयल में स्टोर नहीं किया जा सकता। लो पूरी हिंदी लिख देते, किसको केरोसिन ऑयल में स्टोर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल चॉइस मिलती है आपको,
पहली चॉइस है सोडियम, दूसरी चॉइस है पोटेशियम, तीसरी है लिथियम और फोर्थ है हमारी कौन बच गया, सीजियम। तो बताओ भैया कौन सा क्वेश्चन होगा। आरजू सर सोडियम। तो आरजू ने आंसर बताया सोडियम। और कोई है चैट बॉक्स में डाल सकते, चैट बॉक्स में डाल सकते हो कौन सा। सीजियम। सीजियम। तो हम अब देखो हम सुनाते हैं कहानी। कहानी ये है कि फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट केरोसिन ऑयल में स्टोर किए जाते हैं लिथियम को छोड़कर, लिथियम को छोड़कर। तो बताओ किसको केरोसिन में स्टोर नहीं कर सकते। तो फिर बताओ लिथियम को किसमें स्टोर किया जाएगा। पानी में। सारे एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट पानी में डालते ही आग पकड़ लेते, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्यों फर्स्ट ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को पानी में डालने से आग लग जाती है, क्यों लग जाती है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकल जाती। ये भी याद करना भी कला है। एक बच्ची ने अभी अभी बोला क्योंकि वो उससे वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। वायलेंटली रिएक्ट करने से कोई लॉजिक नहीं है। वो जो हाइड्रोजन निकली है उसने आग पकड़ ली, उसने आग पकड़ ली। तो लिथियम को पैराफिन बैग्स में मोम में लपेट कर रखा जाता है। अब ये कहानी है, आपको याद करनी पड़ेगी। तो बच्चे उन टीचरों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो क्लास में कहानियां सुनाते हैं और इसी बात को बहुत मीठी मीठी कहानियों से समझाते हैं। पर वो मीठी मीठी कहानियों से समय खत्म हो जाता है, मीठी मीठी कहानियों से समय खत्म हो जाता है। हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है हमको क्या देखना भैया। सोडियम नाइट्रेट को, सोडियम नाइट्रेट को हीट करने पर, हीट करने पर ठीक है ना, क्या मिलेगा। और चॉइस लिख रहा हूं NaNO2। तो देखते हैं चॉइस में, पहली चॉइस है N2 है, दूसरी चॉइस है O2 ठीक है ना। चॉइस पे मेरा और तुम्हारा किसी का कोई अधिकार नहीं है। देखो और बताओ इनमें से कौन सा आंसर सही है। कृपया चैट बॉक्स में लिखें। तो एक बच्चे का आंसर आया है O2। क्या सही है, आज ही लिखाया है, आज ही लिखाया है कि NaNO3 को गर्म करने पर ये नाइट्राइट बन जाता है और O2 रिलीज हो जाती है ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये है जो बढ़िया क्वेश्चन है और लेफ्ट से लेकर और कोई भी ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नीट और JEE किसी में भी आ सकता है। तो
बी कौन होगा? इन दोनों की रिएक्शन कराई, ए बना, ए को गर्म कर दिया 360 डिग्री टेम्परेचर। तो भैया बता दो, कोई बता सकता है? तो क्या होता है, ये दोनों की जब रिएक्शन करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी कहीं आएगा ऐसे हाथ खोलकर खड़ा हो जाए। इसके दोनों हाथों में एक एक लड्डू पकड़ा दो, तो हमने एक हाथ में तो हाइड्रोजन नाम का लड्डू पकड़ाया और दूसरी साइड ONA का लड्डू पकड़ा दिया। तो अब ये क्या बन गया, इसका नाम क्या है? सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट को जब हमने गर्म किया तो ये H2 निकल जाती है और सोडियम ऑक्सलेट बन जाता है। सोडियम ऑक्सलेट बन जाता, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक से शुरू हुए थे और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पे पहुंच गए, मतलब ये हार्ड क्वेश्चन में आएगा। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली उनके आने के चांस हैं जिनके यहां पूरी केमिस्ट्री आती है, जिनके यहां छोटा पार्ट आता है उनके यहां नहीं आएगी, क्योंकि वो एस ब्लॉक से बाहर नहीं जा सकता। जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है वो आपके सिलेबस में होना चाहिए। अब बच्चे ये बात तो जानते नहीं है और वो कहते हैं अरे सर ने दो लाइन कम पढ़ाई। अरे तो भैया दो लाइन इसलिए कम पढ़ाई है, तेरे यहां नहीं है, हमें दो लाइन पढ़ाने के भी उतने पैसे मिलते हैं और चार लाइन के भी, हम कंजूसी क्यों करेंगे? हमारी सफलता तुम्हारी सफलता से जुड़ी हुई होती है, तुम सफल तो हम भी सफल। बड़ा दुख होता है ये देखकर कि जब हम पेपर देखते हैं तो 100% क्वेश्चन क्लासरूम में कॉपी में लिखे हुए आते हैं, फिर भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। इससे ज्यादा टीचर के लिए दुख की बात नहीं सकती, तो उसने साल भर मेहनत भी करी, सारे क्वेश्चन भी लिखाए, पर क्या बच्चा तो वही कुर्सी पे फिर अगले साल किसी जगह बैठा हुआ मिला। और बच्चा फिर ये बात कहता है, मेरी क्लासरूम में ऐसे खूब बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि सर ने जो पिछले साल लिखाया था उस सब आया था, पर उस साल उस बच्चे ने मेरी नहीं मानी। फायदा क्या है ऐसे विश्वास करने से कि नेक्स्ट ईयर आपने उस पर विश्वास किया? अगर आप उसी साल कर लेते तो ये कुर्सी की बजाय गुदगुदा गद्दा और कुर्सी होती, पर अभी किसी इंस्टीट्यूट में भीड़ में गरम गरम हवा में, ठीक है ना, लोहे के फट्टों पर बैठे हुए मिलोगे। हम आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी मेटल NaOH में से हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी? मैंने चॉइस नहीं लिखी है, इसलिए मुझे चॉइस पसंद ही नहीं है। मेरी थ्योरी चॉइस अलाउ ही नहीं करती। तो मेरे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, वो सारी मेटल जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती है, वो सारी मेटल जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती हैं NaOH के एक्सेस में डिसॉल्व होकर, NaOH के एक्सेस में डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन गैस देती। तो मैं सबसे पहले इस लाइन को देखते ही ये लाइन बोलूंगा कि सारी एम्फोटेरिक मेटल, और फिर चॉइस में देखना शुरू करूंगा कि एम्फोटेरिक कहाँ लिखी हुई है, देखे कैसे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो
इनमें से कोई भी एक मिलेगा, तो ये वन लिख दी, ये टू लिख दी और ये थ्री, तो अब आंसर क्या हो जाएगा? ऑल, इसका आंसर ऑल हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़े भैया। यस सर। तो अगला जो क्वेश्चन मुझे लगता है आपके एग्जाम में आ सकता है वो ये है, इन कार्बोनेट के स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? इन कार्बोनेट के स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? या कोई स्टेबिलिटी है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो गई, अब आगे बताओ, चॉइस बनानी है अभी हमको? नहीं, लिथियम की सीए से ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा कौन? सबसे ओके, पहले एक एक जने की चॉइस लिख दे। नेक्स्ट CaCO3, फिर नेक्स्ट आगे दो और बचे, Na2CO3 और Li2CO3। अब कोई नेक्स्ट चैट बॉक्स में और बता सकता है? सही है, सही है। तो एक हाँ। बच्चे ने मोहर लगा दी है कि सही है, ठीक है ना? तो देखते हैं दोनों साथ साथ डूबेंगे या दोनों ही तैरेंगे। तो मैं आपको लाइन बोलता हूं, फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट सेकंड ग्रुप से हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, ज्यादा बेसिक होते हैं। पहली लाइन, फर्स्ट ग्रुप वाले हमेशा सेकंड ग्रुप वालों से ज्यादा होते हैं और ग्रुप में नीचे जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ती, तो आंसर होगा उल्टा, ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा Na2CO3, फिर Li2CO3, फिर CaCO3 और फिर MgCO3। मतलब ऊपर वाले को भी उल्टा करने से उल्टा नहीं होता, मतलब दोनों बच्चे जिन्होंने आंसर बताया साथ साथ नरक में जाएंगे। दोनों डूब जाएंगे, ये इंक्रीज का ऑर्डर है ही नहीं, ये है सही ऑर्डर। अब तो अपने ऑर्डर को कहीं भी उल्टा नीचा सीधा पिद्दा जैसा करना है कर, तेरा आंसर कहीं से आ जाए तो ओके, हटा दे। अगला क्वेश्चन यह है कि कौन परोक्साइड नहीं है, कौन परोक्साइड नहीं है? और पांच चॉइस है, पांच चॉइस है। तो देखो और बताओ भैया, इन पांचों में से कौन परोक्साइड नहीं है? बच गए, अरे जल्दी बोलो, मारे माइक की बैटरी वा कम हो गई है। प्रदीप, अर्जुन,
हाँ हाँ जल्दी बोलो सर, CaO2। अरे गवारो, PbO2 इसका आंसर है। लेड परऑक्साइड कब से पढ़ा है तुमने? लेड ऑक्साइड है ये, तो लेड डाइऑक्साइड है इसका नाम। तो लेड नहीं बनाता, जब हम पढ़ते थे तो मास्टर हमको जबरदस्ती इसको लेड परऑक्साइड पढ़ाया करते थे। अगला क्वेश्चन ये है कि जो सोडियम नाइट्रोब्रूसाइड है उसका फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम नाइट्रोब्रूसाइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो सोडियम नाइट्रोब्रूसाइड का फॉर्मूला ये होता है, देखो क्या ये सही है। सोडियम नाइट्रोब्रूसाइड साइनाइड 5, क्या ये फॉर्मूला सही है? हाँ ये सही है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? और यहां पर मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको सिर्फ इतना बताना है, मुझे ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है, मुझे ट्रू फॉल्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। सही या गलत, क्या ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का फॉर्मूला है? क्या ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का फॉर्मूला है? हाँ है, क्योंकि ट्रू फॉल्स में आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता, ठीक है ना। आपके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थ्योरी नहीं होती, एक ही जने का नाम पूछता है ये गर्लफ्रेंड है या नहीं है, ठीक है ना। चॉइस नहीं है कि चारों में से छांट के बतानी, तो ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन ये है कि ग्लोवर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का फॉर्मूला कोई बता सकता है? तो Na2SO4 10H2, ये ग्लोवर सॉल्ट का फॉर्मूला है। और ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला कोई बताएगा? ब्लू विट्रोइल, व्हाइट विट्रोइल, ग्रीन विट्रोइल। तो ब्लू का फॉर्मूला कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। कोई व्हाइट विट्रोइल का फॉर्मूला बताएगा? व्हाइट विट्रोइल का फॉर्मूला ZnSO4.7H2 होता है। और ग्रीन विट्रोइल का फॉर्मूला कौन बताएगा? FeSO4.7H2। और जिनके सूत्र समान होते हैं, जिनके फॉर्मूले समान होते हैं, उनको हम आइसोमॉर्फ्स कहते हैं, सम संरचनात्मक। तो ये हमारी आज की कहानी थी, जिसमें हमने एस ब्लॉक का बहुत सारा टॉपिक कंट्रोल कवर कर लिया है। बाकी टॉपिक के लिए किंग केमिस्ट्री क्लासेस गूगल ऐप पर देख सकते। धन्यवाद, शुभ रात्रि।